हेलो फ्रेंड, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं टेक्नोलॉजी अप पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप यूएन का पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो जनरेट कर सकते हैं नया पासवर्ड, और आप कैसे अपना जो मोबाइल नंबर है, नया मोबाइल नंबर वो कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूएएन पीएफ अकाउंट के साथ। अगर आपका जो पुराना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो आपको पता नहीं कि क्या था वो मोबाइल नंबर, और वो अगर खो गया है तो कैसे आप अपना मोबाइल नंबर नया रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूएन पीएफ अकाउंट के साथ, और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के साथ साथ पासवर्ड कैसे नया सेट कर सकते हैं अगर पासवर्ड भी आप भूल गए हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पुराना मोबाइल नंबर था उसको हटा के आप नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करें यू एन पी एफ अकाउंट के साथ, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल और नॉलेज बेस्ड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह का रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए, और जब उसको प्रेस करेंगे उसके साथ साथ एक बेल आइकन आएगा कुछ इस तरह का, उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से मैसेज के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है यूएएन लॉगिन। जब यूएएन लॉगिन करके सर्च करेंगे तो जो यूएन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूएन का जो पोर्टल है, जो सबसे ऊपर कुछ ये वेबसाइट आएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। जिसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। फॉरगेट पासवर्ड आपको फॉरगेट पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एंटर यूएन और ये कोड नंबर डालना पड़ेगा। तो जो आपका यूएएन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे यूएएन नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसके बाद आप नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूएन नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो कोड है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो ये कोड नंबर मैंने डाल दिया, इसके बाद आपको करना है सबमिट पे क्लिक, और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आएगा कि ये देखिए मैसेज आया है, जो आपका जो यूएन नंबर रहता है उसके साथ जो करंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दिखा देगा कि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो वो कहता है कि डू यू विश टू सेंड ओटीपी ऑन द अबोव मोबाइल नंबर, कि ये जो मोबाइल नंबर है इस पे ओटीपी मंगवाना है आपको, तो ये नंबर आपका खो गया है, आपके पास है नहीं, तो आपको यस करेंगे तो इस पे ओटीपी जाएगा। तो आपको यहाँ पे यस नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको करना है नो, और जैसे नो सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, उसके बाद आप नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंटर योर डिटेल्स, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे देना, जो यूएन की डिटेल्स है, नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको देनी है, बिल्कुल सही देना। गलत डालेंगे तो आपको फिर ये मैच नहीं होगा और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वेरीफाई, और जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये कुछ सेकंड के बाद आपके सामने एक और विंडो आएगी, और उसमें आपको देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया वैलिडेट अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसने वैलिडेट कर लिया है, और यहाँ पे मैसेज आया है कि आप यहाँ पे वेरीफाई कीजिए, या तो आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल के या फिर पैन कार्ड नंबर डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ और उसमें वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके बाद कैसे वो पासवर्ड या फिर नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिया। अगर आप पैन कार्ड नहीं सेलेक्ट करना चाहते तो आधार नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ अपना, और पैन कार्ड नंबर डाल के फिर मेरे को उसके बाद फिर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और सब कुछ वैलिडेट करने के बाद ये देखिए मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया, और वेरीफाई पे चेक करता हूँ, और जैसे वेरीफाई करूँगा तो ये वेरीफाई करेगा कि ये जो पैन कार्ड नंबर है इस यूएन नंबर के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने वैलिडेट हो जाएगा। तो ये देखिए डिटेल वैलिडेटेड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है कि एंटर न्यू मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे जो आपको मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड करना है नया मोबाइल नंबर वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नया मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो मेरे को रजिस्टर करना है, उसके बाद गेट ओटीपी, तो जो आपका नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपने नया नंबर यहाँ पे डाला है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके पीएफ यूएन अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे ध्यान से अपना जो नया मोबाइल नंबर आप जनरेट वो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए उसके बाद ये आ गया ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अगर ओटीपी नहीं आता तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप दोबारा से
मंगवा सकते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास OTP आ गया, तो मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। और OTP डालने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई, तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद मेरे से पूछेगा कि आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो, नया पासवर्ड लगा सकते हो। तो वेरीफाई करने के बाद देखिए लोडिंग हुआ और उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं अपना न्यू पासवर्ड लगा देता हूँ अब, ठीक है। अब मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेट किया और उसके बाद और यहाँ पे सबमिट, और यहाँ पे देखिए सबमिट करने के बाद आपका जो नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपने यहाँ पे डाला है, वो नया मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो गया है। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका नंबर खो गया है तो वो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए मैसेज आ गया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो नया आपने रजिस्टर किया वो हो गया, अब आप पासवर्ड आराम से चेंज हो गया है आपका। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, क्लिक हियर टू लॉगिन, जो मैंने नया पासवर्ड सेट किया है मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि लॉगिन हो रहा है कि या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना ईवन नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो डाल देता हूँ। और पासवर्ड डालने के बाद ये यहाँ पे कोड डालना है, तो यहाँ पे साइन इन पे कर देता हूँ। और जैसे साइन इन पे करेंगे तो ये देखिए लॉगिन हो गया है। तो आप भी अपना नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं UNPF अकाउंट के साथ, अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या फिर आपके पास नहीं है, और या फिर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था आपके UNPF अकाउंट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ डाउट्स है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।